भाई साहब पूर्व सैनिकों के संगठन का हाथ में बोर्ड लिए और साथ ही किसान नेताओं के साथ ये लोग खड़े हैं बाराबंकी जनपद के पटेल तिराहे पर। मामला सुनेंगे तो भाई साहब आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई में किसान और जवान मैदान पे। भाई साहब देखने में तो यही लग रहा है और बोर्ड पर भी यही लिखा है। अब सुनिए कि मामला क्या है। अखिलेश शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्य पूर्व सैनिक कल्याण समिति, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता प्रशासन को बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 130 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की है और इसको संभालने के लिए मात्र कुछ लाख सैनिक ही हैं जो अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं घर द्वार सब छोड़ के, जिनकी वजह से पूरा देश चैन की नींद सोता है, जिनकी वजह से दुश्मन भी थर्राता है हमारी सीमाओं को देखने के लिए। वो सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा तो कर रहा है मगर वो अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो घर पर रह ही नहीं पाता है। तो उसके घर की सुरक्षा, उसके परिवार की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है और हमारा समाज, हमारा प्रशासन सैनिक के प्रति इतनी कहने के लिए तो बहुत सम्मान देता है मगर प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। एक सैनिक हमारा सत्येंद्र सिंह छुट्टी आया हुआ है अपना मकान बनाने के लिए, अब पड़ोसी उसको मकान नहीं बनाने दे रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। इस विषय को हमने माननीय जिला अधिकारी जी से 22 तारीख को ज्ञापन देके बताया भी था मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को सूचित करना चाहता हूं, अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं हुई और सैनिक को न्याय नहीं मिला तो मजबूरन किसान और जवान दोनों ही सड़क पर आएंगे जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो इन भाई साहब की बातें सुनकर के आप पूरा माजरा समझ गए होंगे कि आखिर किस विषय को लेकर के यहाँ खड़ा होना पड़ा है और इनकी मुख्य मांग क्या है। फिलहाल अब देखना ये कि प्रशासन इनकी बातों को सुनता है या नहीं, पर फिलहाल हमारे सुनने में तो यही आया है कि जिलाधिकारी महोदय ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।